नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वतखोर। एनएनटी करप्शन विभाग की कार्रवाई, 15 दिनों में नगर परिषद सावनेर में दूसरी कार्रवाई। सावनेर एंटी करप्शन विभाग द्वार सावनेर नगर पालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना के अभियंता नितिन मदनकर नागपुर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने से हड़कंप मचने के साथ ही नगर परिषद कार्यालय में दहशत का वातावरण निर्मित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री घरकुल योजना मंजूर कराने हेतु छिंदवाड़ा रोड सावनेर निवासी अब्दुल मोहम्मद शेख को अभियंता नितिन मदनकर ने 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसके चलते पहली किस्त 10,000 रुपए देकर मामला सेट किया गया तथा बकाया 30,000 रुपए आज 23 मार्च 2023 को देना तय हुआ, जिसकी खबर अब्दुल मोहम्मद शेख ने एंटी करप्शन विभाग नागपुर को सूचना कर जानकारी दी, जिसके तहत पैसे देने हेतु अब्दुल मोहम्मद को छिंदवाड़ा रोड स्थित शिवाजी चौक बुलाया, जहां अभियंता नितिन मदनकर ने अपने साथी विकास राउत रेलवे स्टेशन सावनेर निवासी द्वारा 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले भी नगर परिषद में ऐसे ही कार्रवाई होकर सामने नगर परिषद की किरकिरी हुई थी, जिससे सबक लेने के बजाय प्रधानमंत्री आवास योजना के अभियंता घरकुल योजना के लाभार्थियों से रिश्वत की मांग करते रहे, जिसका अंजाम उन्हें आज भुगतना पड़ा। पिछले 15 दिनों में घटित दूसरी घटना से एक और नगर परिषद कार्यालय में अगला विकेट किसका की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वही प्रधानमंत्री आवासीय योजना का भ्रष्ट अभियंता रिश्वत लेते पकड़ा जाने से नागरिकों में हर्ष का वातावरण है। सावनेर संवाददाता मुकेश छरबड़े की रिपोर्ट। किस हिसाब में पैसे मांगा था? घरकुल केस में के मतलब पैसे देंगे सब काम होगा। अच्छा, 40,000। कितने रुपए मांगा था? 40,000 रुपए मांगा था। आज लेते समय पकड़ा? 10 दिए थे और अभी आज 30 दिए। पकड़ा है। चलो ठीक है, देते समय पकड़ा। क्या नाम बताया आपने? अब्दुल मोहम्मद से। कहाँ रहते? सावनेर। छिंदवाड़ा रोड भवन उल्ले के घर पे। काफी दिन से परेशान कर रहे थे जी। अरे बापा, कई चप्पल घिस गई। अच्छा, पहले कितने लिए उसमें? 10 दिया, 30 देना था। हाँ,